यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पटना जाने वाली यह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नहीं है। हम कैपिटल एक्सप्रेस में सफ़र करने वाले हैं, तो नक्कालों से सावधान रहें। ध्यान रहे, कैपिटल एक्सप्रेस में बिना सब्सक्राइब किए बेल का बटन दबाए सफ़र करना दंडनीय अपराध है। या दोस्तों, तो हम लोग अभी है कामाख्या स्टेशन पर और ये मालेगांव कामाख्या स्टेशन कहा जाता है, ये मालेगांव में पड़ता है। और आज हम गुवाहाटी से जा रहे हैं पटना की ओर ट्रेन में। For the people, by the people, of the people, and this is a very beautiful morning. It is 4:50, or main train board kar rahi hu 13247. Yes, aur raaste mein kuch stories hongi. Ab ye train ko capital express kaha jata hai, aayegi via New Jalpaiguri to Rajendra Nagar in Patna. Main aur Divya hum log travel kar rahe hain 2 tier mein, aur क्योंकि लंबा सफ़र होगा और ये ट्रेन थोड़ी झेलाव टाइप की है। या हमें एक्चुअल में नहीं मिली टिकट किसी और ट्रेन में, अदरवाइज 17 घंटे में हम पटना पहुंच सकते थे, लेकिन ये ट्रेन लेने वाली है 23 घंटे 15 मिनट, और यहां से चलेगी एग्जैक्ट 5 बजे और पटना पहुंचेगी 4:15 कल सुबह। चूँकि हम लोग बहुत ही खूबसूरत जगह से आ रहे थे, ओके भोंगा बज चुका है और अभी ट्रेन चलने वाली है, तो मैं अंदर जाती हूँ। और ये बहुत सारे स्टेशन पे रुकने वाली है, वाओ एग्जैक्ट टाइम पर चल रही। दोस्तों, इसका इंटीरियर जो है वो बहुत ही पुरानी ट्रेन की उस टाइप का है, इसी मतलब सफाई नहीं है जो कि अभी हम टिश्यू से साफ करेंगे, लेकिन खैर जितनी देर ट्रेन को लगेगी उतनी अच्छी तरीके से ट्रेन होगी। हम खुद साफ कर लेते हैं अपनी सीट, देखिए ये सब गंदा गंदा कुछ तो है लगा हुआ। वैसे दोस्तों, कैपिटल एक्सप्रेस के आप अगर अंदर झांकेंगे तो आपको अपने सामान चोरी होने का डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी खिड़की के बाहर झांकेंगे तो आपको उन नज़ारों से आंख हटाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। जी दोस्तों, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक हम इतने खूबसूरत नज़ारों को देखने वाले हैं कि मैं बयां तक नहीं कर सकती हूँ।
सुपारी के भी मतलब पेड़ होते हैं, लंबे लंबे एकदम स्ट्रेट। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से मिल रही हूँ। एक्चुअल में मैं अभी कैपिटल एक्सप्रेस में हूँ जो कि कामाख्या से जा रही है पटना की ओर, और इस प्यारे से बच्चे ने मुझे देख लिया शायद प्लेटफॉर्म पर और उसे मुझे मैसेज किया मेरे एक वीडियो पर जो कि होली का वीडियो है, राइट। और देखते ही मुझे लगा, आई फेल रियली गुड कि ये इसी ट्रेन से सफ़र कर रहा है और अली कहाँ तक जा रहे हो? अलीपुरद्वार तक जा रहा है। तो मैंने उसे मैसेज किया, आई वुड लव टू मीट यू। सो ही सेड कि या बट आई एम अ स्मॉल बॉय विद माय मॉम एंड डैड एंड आई एम हैप्पी टू मीट हिम, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विश्व। ओके विश्व रूप एंड विश्व रूप। सो व्हाट इज योर ब्लॉग्स नेम? चैनल्स नेम इन्फिनिटी रील्स। कामाख्या एक्सप्रेस में आ रहे थे गुवाहाटी की ओर, तो हमें दिक्कत ये आई थी कि न्यू जलपाईगुड़ी से फिर सिंगल ट्रैक है असम में, और उस वजह से हम लोग 6.5 घंटे अप्रॉक्सीमेट लेट हो गए थे, क्योंकि सिंगल ट्रैक है तो एक ही ट्रेन जा सकती है एट वन टाइम। ओके, और एक पास देगी दूसरी जाएगी, दूसरी पास देगी तीसरी जाएगी। जस्ट मूविंग फ्रॉम गुवाहाटी हियर इन बिटवीन आई कुड सी कि यहाँ पर एलिफेंट जोन भी है और यहाँ पर जंगली हाथी दिखाई देते हैं। घने जंगलों के बीच से हमारी ट्रेन गुजरने वाली है और उन घने जंगलों में हम नंदनगिरी रिजर्व फॉरेस्ट, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उफ देखिए कितना खूबसूरत जंगल का नज़ारा है दोस्तों, वाह। यहाँ पर जो है आपको एलिफेंट से लेकर के वाइल्ड बाइसन्स, आपको वाइल्ड बोर, आपको जो है पीकॉक, पता नहीं हो सकता है कि हमें किसी जानवर का नज़ारा भी देखने मिल जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी अभी ये जानकारी हमें मिली है कि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। मैं अभी ना देख रही हूँ गोलपारा टाउन आ चुके हैं। ये पहला कमर्शियल हॉल्ट है इस ट्रेन का और प्लेटफॉर्म पर पत्तियाँ गिरी हुई बहुत अच्छी लग रही है। ट्रेन यूज टॉयलेट, दैट्स कूल, अच्छा लग रहा है ना? सुबह की धूप जब चेहरे पे खिलती है अच्छा लगता है ना? ट्रेन से जब आप सफ़र करते हो इस रूट में तो इतना लंबा जंगल है और इतना खूबसूरत दिख रहा है, लंबे लंबे पेड़ हैं, घने पेड़ हैं और पूरे पूरी तरफ हरियाली ही हरियाली है। माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ थंब बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर बिल्कुल करें, ताकि हम ये स्प्रेड कर सकें कि YouTube एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन का ही माध्यम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे हम दोस्त बनाते हैं। वैसे ये मालगाड़ी है, रेलगाड़ी मेरी है। Thank you.
रहेगा इस सेतु का नाम। बाहर आवाज़ बहुत थी, हो सकता है कि आपको नहीं सुनाई दिया हो कि मैंने क्या बोला। तो जो लाइक सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर है, जो कि इस रूप में जाता है, उसका नाम है नारायण ब्रिज, राइट? नारायण नारायण। और जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो है 4.8 किलोमीटर का और उसका नाम है बोगी बिल ब्रिज। और वो रंगिया की तरफ से अगर हम जाते तो हमें वो ब्रिज दिखाई देते। तो ट्रेन जो है 10:15 पर अलीपुर द्वार जंक्शन पहुंच चुकी है, टाइमली पहुंच चुकी है। कुछ चाय पी जाए क्योंकि इस ट्रेन में कोई पेंट्री कार्ड नहीं है, इसीलिए चाय अभी दिव्या बाहर से लेकर के आया है। ओके, सो विश्व रूप से बाय बोलते हैं। लास्ट टाइम हेलो नमस्ते, और ये उसकी मॉम है, नमस्ते, एक साथ एक बात ध्यान रखिएगा इस ट्रेन में आने से पहले कि नाश्ता वास्ता का इंतजाम कर लीजिएगा। पैंट्री कार्ड नहीं है, अलीपुर द्वार जंक्शन पे ये ट्रेन बिफोर आई थी 10 बजे, हमको कुछ नहीं मिला, सिर्फ जो है बिस्किट और कुछ चिप्स बाहर सारे दुकानों पे मिल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे पैटीज, ऑल्दो बहुत ठंडा है, ये छोला मिला है, छोला। इस ट्रेन में हमें वैसे तो कुछ मिल नहीं रहा है, पैंट्री कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे अलीपुर द्वार जंक्शन जहाँ पर अभी रुकी हुई है छोले मिले हैं और ये टेस्टी है। क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है कंप्लीट, ये कंप्लीट रेंज, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि सारे घर जो है वो बैम्बू के लकड़ी के बने हुए रहते हैं और उसका जो छपरा होता है हाँ वो पत्रे का होता है। वैसे दोस्तों अभी घने जंगलों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, अलीपुर द्वार से लेकर के सिलीगुड़ी तक हम बहुत खूबसूरत खूबसूरत जंगलों से गुजरने वाले हैं। मेरी आंखें देख पा रही हैं वहां तक मुझे सिर्फ टी गार्डन दिखाई दे रहे हैं। हमारी ट्रेन दोनों तरफ टी गार्डन है और उसके बीचों बीच गुजर रही है, दोनों तरफ की ग्रीनरी, ओह क्या बयां करूं मैं आपसे, दोनों तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा है, दिल करता है कि ट्रेन से उतर जाऊं और टी गार्डन के बीच में चली जाऊं। सफर का मज़ा ट्रेन के बाहर ही है, तो कृपया कर अपनी आंखें खुले ही रखिएगा क्योंकि आंख बंद हुई और आपने किसी नज़ारे को मिस कर दिया। मैंने ये वाली बैग ली है, चल दो मैडम, या थैंक यू, ये वाली बैग भी ली है, ये भी ली है। स्टेशन आने वाला है और ये स्टेशन जो है वो बहुत मज़ेदार स्टेशन है क्योंकि यही स्टेशन पर उतर करके आप सिक्किम की ओर जा सकते हैं, गैंगटॉक जा सकते हैं, दार्जिलिंग जा सकते हैं, अगर कंचनजंगा ट्रैक के लिए जाना है तो यहीं से जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फूड ट्रैक,
ये मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आता है, शायद नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आता है। फूड ट्रैक जो है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, लस्सी है, वेज समोसा है, कचौरी है, कटलेट है, पिज्जा है। फूड ट्रैक से भी आप खाना ले सकते हैं, बनस्पत के ट्रेन ज़्यादा देर यहाँ पर रुकती है, तो वैसे ये ट्रेन 5 मिनट से ज़्यादा रुक गई है यहाँ पर, तो खाना वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे दिव्या आप अभी वहाँ से स्वीट लेने के लिए, हमारा खाना तो आ चुका है, अभी हमने बॉक्स थाली मंगाई है, वेज बॉक्स एंड नॉन वेज बॉक्स। ओके दोस्तों, तो न्यू जलपाईगुड़ी पे ट्रेन अब चल पड़ी है और हमारा खाना तैयार है। ये है नॉन वेज बॉक्स थाली और ये है वेज बॉक्स थाली जो कि हमने रेल यात्री से मंगाई है। 3 रोटियां हैं, ड्राई है, लेकिन दाल बहुत मज़ेदार दिख रही है। चने की दाल है, लौकी की सब्जी है दाल के साथ, ये मिक्स वेज है और ये पनीर की सब्जी है, और डॉन का एक एक्स्ट्रा जो है मेरा नॉन वेज है। यस, बॉक्स में स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस में देते हैं, सेक्शन होना चाहिए और चावल भी है। चलो, लेकिन इसका फायदा एक है आई थिंक, गर्म फायदा एक ये है कि बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं है किसी भी चीज से। हाँ, कोई चीज किसी से मिक्स नहीं होती। अब मैं इसका क्या खाऊं, दाल ही खा लेते हैं। टेस्ट अच्छा है इसका। वाव, थाली थी, वाव, किशमिश और वेजिटेबल वाला पुलाव, डीसेंट, और काजू की ग्रेवी वाला पनीर की सब्जी, मतलब शाही पनीर था, ऑसम खाना था, ऑसम खाना। मैं 5 स्टार देती हूँ, बस एक चीज़ नहीं, 4 स्टार देती हूँ, क्योंकि रोटी जो है वो बटर वाली होनी चाहिए थी। क्या खाया जाए? रसगुल्ला। रसगुल्ला, और वाव नज़ारे। सब ग्रीन है, जबरदस्त ग्रीन है। वाव, ऐसे लग रहा है जैसे कुदरत ने चादर बिछा दी हो हरियाली की। वैसे तो हम लोगों की नींद पूरी नहीं हुई है पिछले 3 दिनों से, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये नज़ारे देखकर सोने का दिल भी नहीं कर रहा है। मैं तो सुबह से जाग रही हूँ और इतनी खूबसूरत नज़ारों को मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो पुराने स्टाइल के हैं और साफ सुथरे तो हैं, क्लीन है, पहले नहीं था। स्टार्ट में जब हम आए तो पैसेंजर्स गंदा कर देते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि उन्होंने फ्लश करना है। खैर, तो ये पैसेंजर्स की भी गलती है, और जो क्लीनलीनेस वाले हैं वो लोग तो अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। वैसे टोटल 932 किलोमीटर इसने कवर करना है, लेकिन 932 किलोमीटर के लिए 23 घंटे 15 मिनट, टू माइल, इतनी लंबी ट्रेन है तो 35 घंटे होना चाहिए। ऐसे भरा जाता है। चलो अब मैं चली सोने। Wow, this station is truly very beautiful. Very big. ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा स्टेशन है कटिहार। यहाँ प्लेटफॉर्म्स पर मधुबनी पेंटिंग्स की हुई हैं
और बाहर निकलते हैं तो बड़ा सा एक इंजन रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। कटिहार जो है बिहार का वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है और पूरा का पूरा शहर जो है लिट रहता है। कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो 6 लाइन जंक्शन कहा जाता है और उनके नाम है इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो बरौनी जाती है जो कि पटना दिल्ली मुंबई, और सेकंड लाइन कुमेदपुर कलकत्ता, और थर्ड लाइन पूर्णिया की तरफ फ्रॉम वेयर ये ब्रांच जो है सहरसा और जोगबनी जाती है नेपाल बॉर्डर की तरफ, फोर्थ लाइन टू बरसोई जहाँ से ये ब्रांच गुवाहाटी और राधिकापुर जाती है बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, और दोस्तों फिफ्थ लाइन मनिहारी और 6th लाइन समस्तीपुर जाती है। ये जो है डिवीजन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज का। वैसे बिहार में सारे स्टेशन अब पेंटिंग किए जा रहे हैं और सारे स्टेशन पर जो है मधुबनी पेंटिंग आपको दिखाई देगी, टिकुली आर्ट आपको दिखाई देगा। अब सफाई के बारे में ज़्यादा ध्यान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप कंप्लेन कर देते हैं तो कंप्लेन करने के बाद लोगों का ध्यान, मतलब वहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं वो डर जाते हैं। और मैंने जब पीयूष गोयल जी जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनको मैंने ट्वीट किया था तो उन्होंने रीट्वीट किया था, उन्होंने मेरा ब्लॉग भी रीट्वीट किया था, तो यही पता चलता है, इवन वंदे भारत भी रीट्वीट किया था, तो इसी से पता चलता है कि उनका ध्यान हर ट्वीट पर होता है और वो हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। मैंने ये भी सुना था कि एक महिला जो है उनको अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए था और पेंट्री कार नहीं थी ट्रेन में, तो उसने ट्वीट किया और जवाब भी आ गया कि आपको अगले स्टेशन पर, स्पेसिफिक एक स्टेशन का मुझे नाम ही याद आ रहा है, उस स्टेशन पर आपको दूध मिल जाएगा, और बकायदा दूध मिल गया। सो अगर इतनी हेल्प हो जाती है तो क्या बात है। ओके गाइस, तो हम पटना साहिब आ चुके हैं। वैसे राजेंद्र नगर हमें उतरना था लेकिन राजेंद्र नगर जो है वो 4:15 हुआ आएगा और अभी 2:30 हुए हैं, 1:45 के बाद। और इतना वेट करेगा क्योंकि 10 मिनट में पहुँच सकती है लेकिन इतना डिले कर रही है। सो मेरा ये रिव्यू रहा कि ये ट्रेन 20 घंटे में आराम से पटना पहुंच सकती है लेकिन बहुत डिले करती है। अगर इस ट्रेन में आना है तो एक ही कारण से आ सकते हैं कि इसकी सीनिक ब्यूटी देखने लायक है। ब्यूटीफुल व्यू है वेस्ट बंगाल का, देखते बनता है। और हाँ, कटिहार जो स्टेशन है वो बहुत खूबसूरत है, इसे देखना मत भूलिएगा। और इस ट्रेन में पेंट्री कार होना चाहिए। Closing from here, comment कीजिए, like कीजिए, subscribe भी कीजिए और share भी मत कीजिए ताकि बहुत लोगों को पता चले इसके बारे में। Instagram और Facebook पर catch up करते हैं।